Hello everyone, this is Harinder Sahu from King Research. I am a Cyber Research Analyst. So guys, ये एपिसोड आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए. फर्स्ट मार्च से ये सीरीज चालू करी थी, आज सेवेंथ एपिसोड है, यानी कि कल के लिए हम बात करेंगे कि कल की बात आज हम करेंगे, किन स्टॉक्स पे नज़र रखा जाए, किन स्टॉक्स को ईगल आई किंग रिसर्च के व्यू में रडार में रखा जाए, जिसमें हम लोग ट्रेड करके या फिर कुछ बेनिफिट ले सकें. राइट, एडवांस में स्टॉक सिलेक्शन है ये. दिस इज पावर ऑफ एडवांस स्टॉक सिलेक्शन बाई किंग रिसर्च हैरी. सो मैं आप लोगों का सभी का स्वागत करता हूँ गाइस. होप आपको पसंद आ रहा होगा. पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. चलिए मैं आ जाता हूँ. सबसे पहले आपको एक रिकैप देने, कल का व्यू देने से पहले, आज मार्केट में जो हमने लेवल्स दिए थे कैसे काम किए, निफ्टी बैंक निफ्टी और जो 6 स्टॉक सिलेक्शन दिए थे आज के लिए वो कैसे काम किए थे, हम उसकी बात कर लेंगे. तो गाइस होप यू रिमेंबर, मैंने आपको दिए थे निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल. आप खुद देखिए, क्लियर कट बोला गया था, क्लियर कट यहाँ पे बोला गया था कि भैया आपका जो क्रूशियल सपोर्ट है 10,247 के लेवल्स हैं. ये लेवल्स मेरे बार बार चेंज नहीं होते हैं, डेली पूरे वीक में ये लेवल्स कंप्लीट रहते हैं. सो मैंने क्लियर कट मेंशन किया था आज, यानी कि 11 मार्च 2020 के लिए आपको क्या चीज लेवल्स में ध्यान रखना है. सो 10,470 लेवल्स वंस ब्रेक देन ओनली विल थिंक अबाउट फॉर द सेल. तो मार्केट में आज थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गैप डाउन खुला. गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर गया, ऊपर खुलने के बाद फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया. जो हमारा अपसाइड का लक्ष्मण रेखा है 10,530, अगर वो क्रॉस करता, मार्केट नीचे खुलने के बाद फिर अगर वो क्रॉस करता तब हम बाई कर सकते थे 470 का ऐसा लगा के, बट नहीं हुआ. बैंक निफ्टी का लेवल्स गाइस, कितने लोगों को याद है मेरा बैंक निफ्टी का लेवल्स? यहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हो, बैंक निफ्टी का लेवल्स दो बार आज इंट्राडे मार्केट में, दो बार 26,770 और 26,830 का लेवल्स दिया गया था, 50 पॉइंट के डिफरेंस में दिया गया था गाइस. एग्जैक्ट मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुला, नीचे आया, उस लेवल पर हमने सेल किया. सेल करते ही वहां से 26,230 का लेवल मेड लो. कितने पॉइंट्स होते हैं आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, 400 से 500 पॉइंट गिरावट आई मॉर्निंग में. उसके बाद फिर हाफ डे के बाद फिर उसमें रिकवरी चाल आई और आने के बाद दोबारा इसने 26,770 का लेवल टेस्ट किया, वहां से वापस नीचे की तरफ धकेल दिया गया प्राइस को. ठीक है, तो गाइस दिस इज पावर ऑफ लेवल, एडवांस स्टॉक सिलेक्शन, एडवांस में निफ्टी बैंक निफ्टी लेवल्स बता रहा हूं. और देखो कितने प्यार से हमारे लेवल्स को मार्केट किस करता है एंड डांसिंग इन अवर ट्यून. राइट, टीसीएस याद है, टीसीएस किस रेट पे भाई बोला था आप लोगों को, मैंने कितने लोगों को पता है टीसीएस का मैंने किस लेवल पे भाई बोला था? यस, ये देखो टीसीएस का लेवल, कैच मी इफ यू कैन, बाई एवरी पैनिक, कोई भी पैनिक होगा, क्लियर कट बोला था मैंने, भैया मैं तो सिर्फ बाई करने का सोचूंगा, टीसीएस में सेल नहीं करने का सोचूंगा. और टीसीएस रॉक टुडे, टीसीएस ने आज रॉकिंग रिजल्ट दिया है. परफॉर्मेंस आप खुद जाके चेक करिएगा, आपको समझ में आएगा. डाबर क्लियर कट 493.87 का लेवल दिया था, सॉरी 493 का लेवल दिया था कि भैया 493 का लेवल है, टच करेगा वहां पे सेल करना. गैप डाउन खुला, धीरे 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 डाबर ऊपर गया, 493 पे रिस्पेक्ट किया, वहां से हमने ठोका, 6 पॉइंट डाबर में मिल गया, 1.5% डाबर में मिल गया. लुपिन 645 से 636 का लेवल लुपिन के अंदर में मिला, ओपनिंग बेल पे ठोकने का बोला था, रिजल्ट आपके सामने है. इंडिगो नॉट एक्टिवेटेड. मारुति, यस मारुति 20-30 पॉइंट का ऊपर गया थोड़ा सा, क्योंकि नॉन स्टॉप रैली थी, मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद मारुति ने ऊपर की चाल दी, बट हमारा ये स्टॉप लॉस हो गया. तो जो मैं बोलता हूँ भाई, 1-2% का अपना स्टॉप लॉस लगाओ, 1.5-2%, सॉरी 1 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, मैं बोलता हूँ करीब करीब कितने परसेंट का सेल, 1.5-2% का सेल बोलता मारुति में. बॉस आज के लिए माफी चाहूंगा, मारुति में हमारा स्टॉप लॉस हो गया. एसबीआई
लाइव टेलीग्राम में, जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए भाई आप मिस कर रहे हो, टेलीग्राम मत मिस करो, मेरा टेलीग्राम इमीडिएट बेसिस पे ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करते आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओगे। SBI 253.50 पे क्लियर कट बोला गया कि भैया ठोको, और वहां से रिजल्ट शाम तक 243.50 यानी कि 10 पॉइंट की गिरावट। और फ्यूचर में बोला था मैंने क्लियर कट, 3000 का लॉट साइज है, 10-30 हजार रुपए का नेट प्रॉफिट अगर शाम तक किसी ने होल्ड किया होगा तो ट्रायलिंग स्टॉप लॉस के साथ। बायकॉन लाइव मार्केट में मॉर्निंग मार्स में बोला था बायकॉन भी 308 पे ठोको, 308 से 292 गाइड 16 पॉइंट, 300 रुपीज के स्टॉक में 16 पॉइंट्स बायोकॉन में गिराना, हमारे टारगेट्स नो चिंदीगिरी। दुनिया 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए पे गेम खिलाती है, 4 रुपए पे गेम खिलाती है, 5 रुपए पे गेम खिलाती है, हम 2-3-4-5 रुपए स्टॉप लॉस देने को रेडी है, 2-3-4 रुपए हम लोग स्टॉप लॉस देने को रेडी है, क्योंकि 100 सुनार की किंग रिसर्च की काम बोलता है, रिजल्ट आपके सामने है। अगर आप लोगों ने लाइव देखा है कमेंट सेक्शन में बताना, दिया था कि नहीं दिया था बायोकॉन, SBI दिया था कि नहीं दिया था लाइव फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए, वहां से रिजल्ट आपके सामने है। कम से कम नहीं तो 200 लोगों का स्क्रीनशॉट मेरे पास है, जिसमें से 20-15-20 मैंने 25-30 स्क्रीनशॉट्स मैंने आप लोगों से शेयर किए, क्योंकि सर इतना टाइम नहीं हो पाता सब लोगों के शेयर्स करना, आप लोगों को पता है क्योंकि आप लोग भेज रहे हो, और जिसके शेयर करता हूँ वो भी देखता है, आप लोगों को पता है। यहाँ पे निफ्टी एक मेरा फेल हुआ, और इसमें क्लियर कट लिखा था हीरो या तो फिर जीरो, हीरो या तो फिर जीरो, पूरा रिस्की ट्रेडर था, एक अपॉर्चुनिटी लेना चाह रहा था कि भाई क्योंकि मार्केट काफी देर तक सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने बोला 11600 का कॉल बाइट कर लो, 40 रुपए का कॉल है, SL दिया था 24 रुपए का, यस 40 से 46-47 तक, 40 से 46-47 तक गया, उसके बाद 4-6 रुपए का हमारा टारगेट नहीं है दोस्त, इतना तो हम देने को रेडी है मार्केट में। थिंक लाइक अ बिग शार्क, डोंट थिंक लाइक अ रिटेलर्स। अभी तक आप 2-1-3-4 रुपए के लिए चिंदी टारगेट के लिए काम करते हो, हमारा सेशन अटेंड करने के बाद हम यही सिखाते हैं कि भैया 2-4-3-2 जो भी है ये SL देने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि अगर मछली पकड़नी है मछुआरा क्या करता है, छोटा सा कांटे में चारा लगाता है, और उस छोटे से चारे में एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार अटेम्प्ट करता है, उसमें एक बड़ी मछली मिलती है, उससे उसका घर पूरा पलता है। जो भी 5-6-7-8-9 लोग जो भी घर के अंदर होते हैं तब जाके उसका घर पलता है। तो हम इसी चीज की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी। मैं क्यों आपको 4-5 स्टॉक्स देता हूं, प्रोबेबिलिटी दोस्त, आपको ट्रेड करना है सब में करना है, ऐसा नहीं कि एक में कर दिया छोड़ दिया, दो में कर दिया छोड़ दिया, ऐसे पैसा नहीं बनता है। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी गेम, जितना नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप करोगे उतना नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी आपका सक्सेस होने का ज्यादा होगा। थिंक लाइक अ मछुआरा, मछुआरा कैसे मछली पकड़ता है, क्या हर बार वो कांटा मछुआरा डालता है उसमें हर बार मछली आती है, नहीं आती है। बट आप क्या चाहते हो, जो भी ट्रेड लो प्रॉफिट हो, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो। ओपन चैलेंज दे रहा हूं इस मार्केट के अंदर, कोई कह दे मैं 10 ट्रेड देता हूं 10 के 10 मेरे टारगेट है, पॉसिबल ही नहीं है। बट फिर भी थिंक लाइक अ होलसेलर, डोंट थिंक लाइक अ रिटेलर्स, ये मेरा मंत्र है, गांठ बांध लो। यस निफ्टी 11600 का कॉल, हमारा स्टॉप लॉस हुआ, बुक लॉस एंजॉय, ठीक है। चलिए ये हो गया परफॉर्मेंस, जो आज का रिजल्ट रहा मार्केट में आपके सामने है दोस्त, बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स आप लोगों को दिए गए हैं टेलीग्राम में, जिन्होंने कमाया जिन्होंने लॉस किया। बाकी अब बात कर लेता हूं एपिसोड नंबर 7 की, 12 मार्च 2020, यानी कि कल किन स्टॉक्स के ऊपर नजर रखा जाए, किन स्टॉक्स पर, निफ्टी इन फ्यूचर्स के बैंक निफ्टी क्या लेवल्स रहेंगे, कुछ चेंज हुए या वही पुराने लेवल्स है, आ जाइए। निफ्टी फ्यूचर्स एज एक्सपेक्टेड डांस्ड इन अवर ट्यून, लक्ष्मण रेखा 10,530, करेक्ट, याद है लेवल्स क्या दिया था ऊपर का। टुडे आज की बात, मतलब कल की बात कर रहा हूं, टुडे कीप ईगल आई ऑन 10,430, ओनली पैनिक ऑन कार्ड इफ वंस ब्रेक और स्टे बिलो 10,430 लेवल, टारगेट 10,370, 10,347 का टारगेट रहेगा, यहां तक गिरने का कोशिश कर सकता है मार्केट।
मेरे लेवल्स बार बार चेंज नहीं होते, दोबारा बता रहा हूँ, माई क्रूशियल सपोर्ट रेंजेस 10,270, 10,247, 10,127, ये मत सोचना तीन चार लेवल दे दिए कैसे भी काम करेगा। मेरे भाई ये जो तीन चार लेवल देता हूँ ना, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है बाउंस बैक की, इसी लेवल से बाउंस बैक करेगा। नो ब्लाबला, काम बोलता है, मेरे वीडियो नॉन स्टॉप दो हफ्ते सॉरी एक हफ्ता भी फॉलो कर लोगे आपको समझ में आ जाएगा किसको फॉलो कर रहे हो। सर घमंड नहीं बोल रहा है, काम बोलता है, मेहनत करता हूँ, मेहनत करता है तो रिजल्ट आता है, रिजल्ट आता है तो आप लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती है, आप लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती है तो और एनर्जी आती है कि आप लोग और कुछ लेके आऊँ। बैंक निफ्टी का लेवल्स, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। आजकल तो लोग ये भूल ही गए हैं क्या कर रहे हैं, कोरोना वायरस। जब जब आप लोगों ने कोरोना वायरस किया, जब जब मैंने ट्रेड कराया और जब जब मैंने आपको पैसा कमा के दिखाया। सर दुनिया डरा रही है आपको, अगर आप ट्रेंड ट्रेडर हो, प्रोफेशनल ट्रेडर हो, एक प्रॉपर एजुकेशन ले रखी है, कोरोना वायरस क्या, कोई भी वायरस हो, आपको इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए लेवल्स क्या होते हैं, किस तरह से ये जो हम एडवांस स्टॉक सिलेक्शन, वही मार्केट है ना, कोरोना वायरस आपके लिए भी है मेरे लिए भी है, ऐसा थोड़ा है कि मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए भी वही चीज़ है ना, बट नोटिस कर रहे हो मैं तो पैसा बना रहा हूं, मेरी बात छोड़ो, जो मैं आपको कॉस्ट दे रहा हूं रिजल्ट आपके सामने है, पैसा तो बन रहा है, बट आपको क्या बोला जा रहा है, दूर रहो, जब पैसा बनाने का टाइम है तब दूर रहो, और जब रेंज मार्केट में रहे तब पैसा कमाने की सोचो, क्योंकि मार्केट तब वोलेटाइल नहीं है, तब आपको मजा आता है। मेरे भाई पैसा ऐसा नहीं बनता है, पैसा बड़े आदमी कैसे ट्रेड करते हैं जब वो सोचना चालू करोगे तब बनता है। डोंट फॉरगेट माई लक्ष्मण रेखा 26,770, 26,830, याद है कल भी यही लेवल दिया था, आज भी यही लेवल दे रहा हूं, इसलिए बोला डोंट फॉरगेट। और इसी लेवल से दो बार बैंक निफ्टी आया मैंने ठोका, मेरे पास क्लाइंट्स का फोन आया, मैंने उसको बोला भाई दोबारा आ रहा है, दोबारा ठोक डाल, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा टारगेट लेके जाएंगे, कल दिखाएंगे रिजल्ट जिसने एसटीबीटी करके गया है। टुडे कीप आई ऑन 26,340, 375, वंस ब्रेक दिस लेवल एंड स्टे बिलो देन मोर पैनिक स्लाइड अप टू 26,230, 26,170। ये तो सर मामूली है, देखते हैं। UBL, यस पहला स्टॉक सिलेक्शन मेरा आज का UBL है। UBL, यस 1190 will act as a Lakshman Rekha, no if no but, sell opening bell pe thoko, will slide up to 1127, 1105। भाई मेरे एक चीज मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूं, ओपनिंग बेल पे ठोको इन द सेंस खुलते ही साथ एक सेकंड में नहीं ठोकना है, दिमाग लगाओ थोड़ा, दिमाग की बत्ती जलाओ, वही रिटेल ट्रेडर की तरह काम करते हो, थिंक लाइक अ प्रोफेशनल। ओपनिंग बेल मतलब स्टार्टिंग का एक मिनट तीन मिनट का कैंडल का वेट करो, एक से तीन मिनट का वेट करो, देखो खुलते ही साथ पहला ग्रीन कैंडल बनाए, अब खुलते ही साथ पहला ग्रीन कैंडल बनाएगा आप ठोकोगे तो क्या होगा, फंसोगे ना, दिमाग तो लगाओ यार। तो पहला ओपनिंग बेल इन द सेंस खुलते ही साथ देखो, एक तीन मिनट, एक मिनट का या तीन मिनट का कैंडल लगाओ, देखो अगर रेड है ठोक डालो, ग्रीन है रुक जाओ, हैव पेशेंस, जब रेड कैंडल बनेगा तब ठोकेंगे, जबरदस्ती थोड़ा है ठोकना है। अर्गडिया पॉइंट, तो जो लेवल्स दे रहा हूं उस लेवल्स पे एक से दो तीन मिनट का वेट करो, देखो क्या लेवल मिल रहा है, उसके बाद डिसीजन लो। अगर रेड कैंडल बनता है तो फिर क्या करोगे, ठोकोगे ना, अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो ठोकना चाहिए, दिमाग लगाओ, बत्ती जलाओ, विल स्लाइड अप टू 1127, 1105। ओपनिंग बेल पर ठोकने का बात कर रहा हूं, 1127, 1105 का लेवल रहेगा, 1127, 1105 का लेवल रहेगा। UBL इज अवर फर्स्ट स्टॉक सिलेक्शन। सेकेंड स्टॉक सिलेक्शन पिज्जा, जुबिलियन फूड वर्क्स। कितने लोग पिज्जा खाते हो, खाते हो ना, आप नहीं खाते हो, बच्चे तो खाते हैं, आप नहीं खाते हो तो बच्चे तो खाते हैं ना, क्या करोगे। Yes, for intraday 1676 will act as a big hurdle below 1650.
हडन मतलब स्टॉप लॉस लगा लेना मेरे भाई, बिलो 1650 मतलब ठोक देना भाई, ओनली पैनिक स्लाइड अप टू 1590 यानी कि 60 पॉइंट्स का टारगेट 1576, ये आपका होमवर्क है, आप कैलकुलेट कर लेना। थर्ड स्टॉक सिलेक्शन इंडिगो, कल इंडिगो दिया था एक्टिव ही नहीं हुआ, छोड़ दिया, आज फिर इंडिगो पकड़ लिया, इंडिगो बिलो 1190 ओनली पैनिक, 1190 के नीचे ओनली पैनिक, नाउ सीएमपी इज 1170, नाउ सीएमपी इज 1170 बट 1190 के नीचे सिर्फ पैनिक है, इंडिगो को मैं बाई करने का कोई गलती से भी नहीं सोचेगा भैया, ये तो गयो बिलो 1190, ये तो गयो, नो बाइंग एट ऑल। 1236 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा, 1236 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा, यस ठोको एट ओपनिंग बेल अगर नेगेटिव ओपन होता है तो, कीप ईगल आई इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक्स। एच डी एफ सी बैंक 1127, फोर्थ स्टॉक बता रहा हूं, 1127 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अब ये एचडीएफसी बैंक और इसके बाद जो ब्रिटानिया देने वाला हो, ये सिर्फ बाई करने का सोचना, नो सेलिंग, मार्केट में पैनिक होने दो, हम सिर्फ बाई का सर दिमाग लगाओ, मार्केट गिर रही है, मैं चाहता तो आपको सिर्फ सेल के बोल सकता था भाई, प्रोबेबिलिटी दोनों तरफ खेलो, जो चीज बाइंग में लग रही है उसको सिर्फ बाइंग का सोचेंगे, कैसे, कोरोना वायरस, नो कोरोना वायरस, ओनली टेक्निकल एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन एंड स्ट्रेटजीज साइकोलॉजी। HDFC बैंक 1127 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा, गो एंड बाई, सिट रिलैक्स, विल जूम टू किस 1142 1146। ब्रिटानिया, कितने लोग ब्रिटानिया खाते हो और वर्ल्ड कप जाते हो, एक एड याद है ना ब्रिटानिया का, ब्रिटानिया बिस्किट खाओ एंड वर्ल्ड कप घूमने जाओ, याद है, कुछ याद आया, फ्लैशबैक में जाओ, ठीक है, फिर होगा मैजिक, दोबारा बोल रहा हूं, फिर होगा मैजिक, ग्रैप एट ओपनिंग बेल इफ ओपन पोजिशन अबव 3060 देन बाई, अबव 3060 देन बाई एंड गो लॉन्ग, इट विल जूम टू केस 3130 3167, कीप ईगल आई, नो चिंदी टारगेट, कुछ बड़े टारगेट्स के लिए काम करके देखो किंग रिसर्च के साथ, तब आप बोलोगे मेरे हर वीडियो में, हर वर्कशॉप में क्या बोलते हैं, 100 सुनार की एक किंग रिसर्च की, जब आप बड़ा खाओगे ना सर, तब आप बोलोगे, आप भी बोलोगे 100 सुनार की एक किंग रिसर्च के, दिस इज पावर ऑफ मैजिक, दिस इज पावर ऑफ लॉजिक, दिस इज पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस इज पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इन एडवांस। अब आप सोचो मैं कैसे एक दिन पहले एडवांस में बताता हूँ और लिमिटेड स्टॉक्स लेके आता हूं, आपको क्यों नहीं आता है, क्या मेरे को आता है, आप मेरे से फुद्दू हो, नहीं हो ना, आप मेरे से भी तो टैलेंटेड हो सकते हो ना मेरे भाई, सर मेरे पास दिमाग है ही नहीं, सही बताओ मेरे पास दिमाग नहीं है, मैं तो बस स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज सीखता हूं, और कितने लोग स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज आती है, मे भी आप लोगों ने 3 4 5 10 एनालिसिस किसी का पढ़ चुके होंगे, टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स कर चुके होंगे, क्या उससे पैसा बना, दुनिया चिल्लाती है मल्टी कंफर्मेशन, पैसा बना, दुनिया चिल्लाती है पिन पॉइंट, पैसा बना, दुनिया चिल्लाती है 1 2 रुपए का चंदी टारगेट, पैसा बना, पैसा बनाना अगर इतना आसान होता ना, हर कोई पैसा बना रहा होता, स्टॉक मार्केट कब का बंद हो चुका होता, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है मेरे भाई, मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, सीखना पड़ेगा, बिना एजुकेशन के आप भूल जाओ स्टॉक मार्केट में, प्लीज हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट है, बंद कर दो ट्रेडिंग में, ईगो लेके आओगे, आपका पैसा आपको भी लपेट लेगा, मार्केट निफ्टी बुला लेगी आपको, खींच लेगी आपको भी मार्केट के अंदर, और इतना टेंशन में आ जाओगे, पैसा तो बनाने की दूर की बात, आपको घर वार ना बेचना पड़ जाए, तो इसको प्रोफेशनलिज्म की तरह से लो, कैसे बड़े लोग अप्रोच करते हैं वो सोचो, ऐसे नहीं कि हाँ चलो मैं दे रहा हूँ, जब तक मैं दे रहा हूँ चलो ठीक है सर आपकी हेल्प हो रही है, आपको हेल्प करने का मेरा इंटेंशन क्या है, ये दिखाना है कि भैया आप जज करो हमारे लेवल्स, और जो जिसको दूसरों को फॉलो करते हो ना टेलीग्राम में, टेलीग्राम टेलीग्राम व्हाट्सएप व्हाट्सएप खेलते हो, समझो क्या कर रहे हो आप, किसको फॉलो कर रहे हो,
उसको जो खुद ट्रेड करता है या उसको जो हवाबाजी करता है या फिर किताबी नॉलेज दे रहा है। दिमाग लगाओ मेरे भाई, काम एक दिन तुक्का हो सकता है, 2 दिन तुक्का हो सकता है, रोज रोज तुक्के नहीं लगते हैं। एक्यूरेसी लेवल आपके सामने है। नए फॉलोअर्स मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो मेरे भाई, ट्विटर ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो, हर जगह मैं कॉल्स देता हूँ, फेसबुक ज्वाइन कर लो, चार्ट के साथ मैं बताता हूँ क्यों ठोको क्यों सेल करो। सुनता नहीं है, नहीं सुनेगा तो पैसा तो जेब से देना पड़ेगा। और पैसा लॉस करने का रेडी हो बट सीखने को रेडी नहीं हो। क्यों सर मेरा ऑफिस है, सर मैं इतना नहीं जानता। अरे मेरे भाई कोशिश नहीं करेगा तो कहाँ से जानेगा। थोड़ा सा लास्ट में ज्ञानबाजी दे रहा हूँ, इसलिए मेरे भाई स्टॉक मार्केट इज नॉट ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी, स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। अगर बड़ा साइकोलॉजी सोचोगे तो बड़ा पैसा कमाओगे, छोटा ही सोचोगे तो छोटे में ही मर जाओगे। और जो लोग जीरोधा वाले भाई हैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जीरोधा के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे एनालिसिस नक्को करो। एक झुंझुना पकड़ा दिया है नौ सीखिए के लिए कि भैया सबसे इजी है ये आपके लिए और आप वही देखते रहते हो। उसका स्टार्टिंग का 5 मिनट का कैंडल कभी सही होता ही नहीं है। लगा लो मुझसे बैठ, लगा लो मुझसे बैठ, कितने की लगाना चाहते हो आई विल प्रूफ यू। तो जीरोधा वाले दूर रहो। मेरा जो स्टॉक सिलेक्शन पावर है जो मैं अपनी क्लास में सिखाता हूँ, मैं एलाइज ब्लू के अंदर ही एक स्टॉक सिलेक्शन का पावर है उसके अंदर इनबिल्ट है। अकाउंट अपना ओपन कराओ एलाइज ब्लू में, हमारे साथ टच में रहो, हमारे प्रीमियम ग्रुप में एक्सेस लो, लाइव डायरेक्ट एल्गो ट्रेड का जो रिकमेंडेशन है वो एल्गो दिया जाएगा। अभी मैंने एल्गो नहीं बनाया है, जैसे ही मैं आपको लिए एल्गो लॉन्च करूंगा तुरंत वो सारे एल्गो के ट्रेड्स आप लोगों को पर्सनली एक ग्रुप में ऐड करा जाएगा। जो लोग मेरे साथ एलाइज ब्लू में और एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट खोल रहे हैं सिर्फ उनके लिए फैसिलिटी है, ठीक है। वही 20 रुपीज ब्रोकरेज जो वहां पे देते हो, और सबसे ज्यादा आपको एक्सपोजर एलाइज में मैं दिलाऊंगा, ठीक है। दिमाग आपका, सोच आपकी, आपको सोचना है मेरे भाई। मैं तो सोच के बैठा हूं, आप मुझे फॉलो कर रहे हो, मैं आपको फॉलो करता हूं, आप मुझे प्यार देते हो, मैं आपके प्यार का भूखा हूं, इसी पे लाइफ जी रही है भाई। ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन बोल रहा हूँ, ये वीडियोस के ऊपर एग्रेसिव ट्रेड मत करो। एज आई एम सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर लो, अगर सब कुछ सही लगता है तब अपना एक्शन लो। हो सकता है मेरे क्लाइंट्स के पास या मेरे पास कुछ अच्छी पोजिशन खड़ी हो कल के लिए मैं ट्रेड करूँ, बिल्कुल हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके, सीखो समझदार से, सीखो उसका काम देख के, सीखो नोबल किसी कोई बोल बच्चन कर रहा है 3-4 लेवल देता है ये बेकट्रूट होगा तो ये ऐसे नहीं। मैं लाइव मार्केट में लेवल्स देता हूँ, उसी लेवल पे ठोकता हूँ, उसी लेवल पे बाई करता हूँ, हवाबाजी नहीं, रिजल्ट आपके सामने, समझदार आप हो। चलिए, थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। अगर वीडियो समझ में आए ठोको लाइक, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, आपके ऐसे जितने लोग प्रभावित हैं जो टिप्स के भी चक्कर में फंसे हुए हैं उन सब की हेल्प करने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान किसी की हेल्प करोगे ना सर, जब वो दुआ देगा, वो आप कितना खर्चा कर लो वो दुआ से बढ़ के चीज कुछ नहीं है मार्केट में। नो पैसा नो मनी नथिंग, दुआ इज वेरी इंपॉर्टेंट। वही मैं आप लोगों से कमाने की कोशिश कर रहा हूँ, पैसा तो मैं बना ही रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा बहुत नहीं, कम नहीं, ज़्यादा नहीं, कुछ ना कुछ तो बना ही लेता हूँ, मंथ के एंड में पॉजिटिव बैठ ही जाता हूँ। ये मत सोचो मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ, ये सोचो कि भैया जिस दिन मैंने 12 साल का एक्सपीरियंस है, जिस दिन मैंने फर्स्ट डे स्टार्ट किया था, आपके लिए भी वो आज फर्स्ट डे है। 12 साल मैं यहाँ बात बात बैठा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई पढ़ाने के लिए सही तरीका नहीं था, कोई एजुकेट करने के लिए मेरे पास सही तरीका नहीं। जब आपको मिल रहा है तो डोंट मिस अपॉर्चुनिटी, 14-15 मार्च को दिल्ली वाले खासकर, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ये सोचो सीख लिया, गलती से सीख लिया, कुछ फायदा हो जाएगा, नहीं सीखा तो गाड़ी तो चली रही है। तो अपने ऊपर भरोसा है, ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, पैसा कमाओ फ्री में, उसके बाद मेरा क्लास ज्वाइन करो। चलो, थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस।